कर्नल विजय मोहल्ला मौजपुर सहित जामा मस्जिद पर आम आदमी पार्टी का स्वागत समारोह रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे उत्तर पूर्वी लोकसभा प्रत्याशी दिलीप पांडे, सिलमपुर विधायक हाजी इशरक खान, निगम पार्षद अब्दुल रहमान, पूर्व महापौर रजय सुल्ताना, कार्यक्रम के आयोजक रेशमा नदीम, निगम पार्षद व नदीम अहमद रहे, जिसमें सिलमपुर विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। किस तरह काबिले तारीफ काम किया है, इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी कहती है, भाई हाँ, शिक्षा के अंदर आम आदमी पार्टी ने काम तो किया है। आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर आप जीनत महल स्कूल में एक बार जाकर देख लीजिए, आप शास्त्री पार्क के स्कूल को जाकर देख लीजिए, आप अपने आप को आम आदमी पार्टी को वोट देने से नहीं रोक पाएंगे। रही प्राइमरी एजुकेशन की बात, मेरे मौजपुर वार्ड के अंदर 3 स्कूल हैं, जिसमें एक सब्जी मंडी में भी बेहतरीन बिल्डिंग तैयार हुई है, जिसका उद्घाटन मैंने आते ही पहले साल में करा था। और दूसरा स्कूल हमारा विजय मोहल्ला के अंदर है, जो कि खाली 3 कमरों में चलता है। ये भी आप लोगों की मेहनत है कि वो स्कूल बनने जा रहा है। सभा आपने देखी, बहुत शानदार रही, और लोगों का प्यार जो है दिलीप पांडे के लिए और अरविंद केजरीवाल जी के लिए उमड़ कर आ रहा है। और एक तरफा जो है सिलमपुर विधानसभा से और उत्तर पूर्वी लोकसभा से दिलीप पांडे जी जीतने जा रहे हैं। दिल्ली में कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? दिल्ली के अंदर सातों की सातों सीटें आने जा रही है आम आदमी पार्टी की, और जो है बिल्कुल हम सातों की सातों सीटों पर, और पंजाब के अंदर भी हम जो है आम आदमी पार्टी आने जा रही है। गठबंधन में चर्चा रहती है रात दिन, क्या मामला है? देखो, गठबंधन होगा नहीं होगा वो बात की बात है, मगर आम आदमी पार्टी आज की तारीख में बहुत आगे मार्जन से है, क्योंकि दूसरी जहाँ पार्टी अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई है, वहीं पे हमारा कैंडिडेट घर घर जाकर लोगों से जो वोट की अपील कर चुका है और लोगों को समझा चुका है कि बीजेपी ने पिछले 5 साल के अंदर देश का बेड़ा गर्क कर दिया है और कांग्रेस ने पिछले 70 साल में देश का बेड़ा गर्क किया है। 72,000 रुपए साल दे रही है, 6,000 रुपए बीजेपी दे रही है, आपकी सरकार क्या लुभावने सबने दिखाई? हमारी सरकार लुभावनी नहीं करती, हमारी सरकार करके दिखाती है। शिक्षा के अंदर करके दिखाया, स्वास्थ्य के अंदर करके दिखाया, और सिग्नेचर ब्रिज से करके दिखाया, जहाँ से दिलीप पांडे जी 22 तारीख को नॉमिनेशन देने जा रहे हैं। इतना जन समर्थन मिल रहा है आम आदमी पार्टी को, क्या इतना जन समर्थन मिल रहा है जब दिलीप पांडे एक तरफा यहाँ से जीतने जा रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से? मैं इस सभा के बारे में यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पर जो लोग आम आदमी पार्टी के काम से बहुत खुश हैं, इतनी ज्यादा भारी तादाद में देखकर पता चलता है कि लोगों का रुझान किस तरफ है। जिस तरह से यहाँ एजुकेशन में और जिस तरह से हेल्थ में काम हुआ है, उससे यहाँ के लोग बहुत खुश हैं, और वो वाकई में दिल से चाहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर पार्षद आम आदमी पार्टी का है, विधायक आम आदमी पार्टी का है, उसी तरह से यहाँ पे सांसद भी आम आदमी पार्टी का चुन करके आए, ताकि जो इनके यमुना पार के इलाका जो पिछड़ा हुआ है, जो अभी तक आधे काम हुए, 50% काम होने बाकी हैं, वो भी उनके काम दिलीप पांडे जी कराएं, जो कि आने से पहले यहाँ पर लगभग 2,000 करोड़ रुपए की लागत से काम करवा चुके हैं। वो आप ही सोचिए सांसद बनकर यहाँ कितना काम कराएंगे। तो यहाँ लोगों का पूरा रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ है, इंशाल्लाह यहाँ से वो दिलीप पांडे को जिता करके भेजेंगे। दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपकी पार्टी सबसे आगे है उस मामले में, ये हमारा मुद्दा सबसे पहले है। ये हम ये दिल से चाहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ताकि जितने भी रुके हुए काम है, जो फाइल हमारी अटका देते हैं, जो LG साहब हमारी चाहे मोहल्ला क्लिनिक की CCTV कैमरे की हो या फिर किसी भी काम की हो, जो वो फाइल अटक जाती है, पूर्ण राज्य बनने से हमारे केजरीवाल जी अपना पूर्ण फैसला ले सकते हैं, और ताकि उनको किसी भी काम में रुकावट ना हो, जो बेरोजगार है उनको नौकरियां मिले। और भी कई मुद्दे हो सकते हैं, पूर्ण राज्य का मुद्दा क्या है? पूर्ण राज्य अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा, अगर पूर्ण राज्य हमारे पास आ गया, उसी में हमारे सारे मुद्दे कवर हो जाएंगे। ये हमारी सबसे बड़ी पहल है, एक ऐतिहासिक चीज हमारे लिए दिल्ली में बनकर के तैयार हुई है, जिसे लोग देखने के लिए आते हैं, इसीलिए हमने वो जगह चुनी क्योंकि वो हमारे दिल्ली में एक ऐतिहासिक जगह है। अरविंद केजरीवाल के काम को अच्छा देखते हुए, पढ़ाई में और शिक्षा में, और जो अस्पतालों में जाके देखो गरीब आदमी कितना खुश है, सारे काम बहुत बढ़िया हो रहे हैं। पार्टी में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और पूरा समर्थन है, पूरे जितने भी मेरे साथ के बंदे हैं सब केजरीवाल के साथ हैं। कितने लोग हैं आपके साथ? मेरे साथ बहुत बंदे हैं, काफी बंदे। हम लोगों ने योजना बनाई हुई है, आने वाली 22 तारीख को सोमवार को सिग्नेचर ब्रिज से शुरुआत करेंगे काफिले की, अपने बड़े बुजुर्गों की दुआएं लेकर, सबका प्यार लेकर, सबका साथ सहयोग लेकर, और वहां से काफिले के तौर पर हम DC ऑफिस जाएंगे, जहाँ पर नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं और हम गुजारिश करते हैं इलाके की आवाम को, तमाम जनता को, कि वे सभी लोग जो इस संघर्ष में अपना योगदान देना चाहते हैं, इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, सभी का उस सिग्नेचर ब्रिज पे खैर मकदम में स्वागत है, आएँ
और इस ऐतिहासिक काफिले का हिस्सा बने, क्योंकि उन सब के बगैर ये संघर्ष, ये लड़ाई, ये संघर्ष का सफर सब कुछ अधूरा है। देखिए, हम सब इस इलाके में बहुत सारी मुश्किलों से जूझते हैं, लेकिन एक जो मुश्किल बहुत बड़ी कि जमुना पार के लोग जमुना पार करके इस उड़ाए कैसे। दिल्ली की सरकार ने इस बात को समझा और दशकों से लंबित पड़ी हुई इस परियोजना को 1600 करोड़ रुपए की लागत से दिवाली के ठीक पहले शुरू करवा के जमुना पार की, खासतौर से उत्तर पूर्वी लोकसभा की 8 विधानसभाओं को जो दिल्ली की सरकार ने तोहफा दिया है, मुझे लगता है कि इस नॉमिनेशन के फाइल करने के शुभ अवसर पे ये एक बहुत बड़ा बढ़िया संकेत होगा, एक बहुत बढ़िया प्रतीक होगा, एक किस्म से इस इलाके की जनता की ओर से दिल्ली की सरकार का शुक्रिया भी होगा कि हम इस जगह से नॉमिनेशन की रैली की शुरुआत करें। गठबंधन में बात अटक जाती है बार बार, क्या चक्कर रहेगा? पता नहीं भाई साहब, हम तो समझ चुके हैं इस बात को कि हमारा दुश्मन कौन है, देश का दुश्मन कौन है, और हम इस बात को समझते हुए पार्टी की सियासी सोच को किनारे रख के देश को बचाने के लिहाज से गठबंधन की पहल करी, एक बार नहीं करी, बार बार करी, 7 सीटों पे नहीं 33 सीटों पे करी और सामने आके करी, हर बार हमारे बात को नकारा गया। अभी हाल ही में कुछ और डेवलपमेंट्स हुए, बातचीत चली रही थी कि माननीय राहुल गांधी जी ने फिर से कोई बयान दे दिया, मुझे मालूम नहीं लेटेस्ट अपडेट क्या है, लेकिन हम लोगों को आदेश मिला है पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से हम चुनाव प्रचार में लगे और हम वही कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं, उनकी दुआएं हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 सीटें दे रहे थे, फिर भी आपने नहीं। नहीं, जो बातें हो रही हैं वो यहाँ पे हमारे आपके बीच नहीं हो सकती, जो बातें हो रही हैं वो हाई लेवल की बातें हैं, पार्टी के शीर्ष नेता उसके ऊपर संवाद कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ट्विटर पर या कहीं मीडिया में उस बात का जिक्र करना मतलब उस बात को हल्का करने के बराबर है। जब भी कोई औपचारिक बात तय हो जाएगी उसकी घोषणा आप सबके माध्यम से की जाएगी। कल प्रधानमंत्री व्यापारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं तालकटोरा स्टेडियम में, संबोधित करेंगे उनको? मुझे लगता है बेमानी होगा, नोटबंदी के जरिए व्यापारियों के कमर तोड़ना, रही सही कसर को जीएसटी से पूरा कर देना और उसके बाद भी कोई अगर दाल रोटी कमा पाया तो सेलिंग से उसको बर्बाद कर देना, ये 3 कुठाराघात करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय किसी भी तरह का संवाद करें, दिल्ली के और देश के व्यापारी भाइयों का दिल नहीं जी सकते। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी संख्या में व्यापारियों के वोट भी कटवाए हैं, तो इस बात को व्यापारी वर्ग समझ चुका है और इस बार भारतीय जनता पार्टी से इस चुनाव में वो अपने अपमान का, अपनी पीठ और पेट पे लात मारने का बदला जरूर लेगा। चौकीदार कौन होगा? देखिए, इस देश को समझ में आ चुका कि इस तरह की लफाजियों में, जुमलेबाजियों में फंसने की जरूरत नहीं है, देश को चौकीदार नहीं चाहिए, सेवादार चाहिए। ऐसा चौकीदार किस काम का कि जिसके रहते ही आपकी प्रॉपर्टी में चोरी हो जाए, और ये बात आप भी समझते हैं कि कहीं अगर चोरी होती सबसे पहले चौकीदार को पकड़ा जाता है। तो ये तमाम बातें जो है बरगलाने फैलाने फुसलाने के लिए ठीक है, लेकिन जमीन पे आज की तारीख में नौजवान क्या पूछ रहा है भाई कि 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं, उद्योग धंधे कहाँ हैं, विदेशी निवेश कहाँ है, देश रसातल में क्यों जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय आम आदमी पार्टी, अरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की स्थिति खराब क्यों है, भारतीय जनता पार्टी खाली आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ के विधायकों को गिरफ्तार करके दिल्ली वालों की सुरक्षा महफूज नहीं कर सकती, बात सबको समझ में आ रही है, तो महिलाओं की और दिल्ली वालों की सुरक्षा कहाँ है, उनकी नौकरियाँ कहाँ हैं, उनके एडमिशन कहाँ है, ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम वो सवाल हैं जो जनता पूछ रही है और जवाब किसी के पास है नहीं, लिहाजा 12 मई बीजेपी गई। सब्सक्राइब करें।